الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز ذوقار علماء ملت اسلامیہ جلسے دستار حفظ میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام سماعت فرمانے والی خواتین اسلام عزیز بچوں نوجوان ساتھی حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرمانے اللہم صلی اللہ उन्होंने अंथक मेहनत की और उनकी काविशों का एक नतीजा है कि एक दो नहीं 19 बच्चों के सरों पे आज हिप्स की दस्तार रखी गई। बहुत बड़ी बात है। अगर गिनती में देखा जाए तो एक से छोटी कोई अदद नहीं होती और 9 से बड़ी कोई अदद नहीं होती। एक से छोटी कोई अदद होती है और 9 से बड़ी कोई अदद होती है। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि 1 से 9 है ना, इतना जितनी गिनती है छोटी से लेकर बड़ी तक सब पर अल्लाह का फजल हुआ। तो आज 19 बच्चों के सरों पे अल्लाह ताला ने ये एजाज इन्हें अता फरमाया उलमा मशायख के जरिए से, है ना। उनके माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को मदरसे में भेजकर उन्हें हाफिज़े कुरान बनाया। आप इन्हें IAS ऑफिसर अपने बच्चे को बना लिए, ना वो आपके लिए दुनिया में फायदे का है ना आखिरत में फायदे का है, लेकिन हाफिज़े कुरान तुम्हारी जिंदगी दुनिया में तुम जी रहे हो तो भी ये फायदा देता है और मर जाओ कब्र में पहुंचो तो भी फायदा देता है। और जब आप उठते हो महशर में उठोगे तो ये हाफिज कुरान आपको ऐसा फायदा देगा। इनके सर पे तो आज ये पगड़ी रखी गई है लेकिन माँ बाप जो उनके हैं कल मैदान महशर अल्लाह ताला उनके सरों पर जर्री ताज रखेगा। माँ बाप के सरों पे जर्री ताज रखा जाएगा, चमकता हुआ ताज रखा जाएगा इन बच्चों की वजह से कि जिन्हें उन्होंने पढ़ाया। तो बड़े खुश नसीब है वो माँ बाप के जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया। और गांव बस्ती के ये सारे लोग भी लाए थे वो मुबारकबाद हैं कि जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ाने में हर तरह की सहूलत मुहैया की। तो अब जिन जिन लोगों ने सहूलत मुहैया की है कल मैदान महशर ये बच्चे उनके लिए सिफारशी बनेंगे। खुदा न खास्ता अगर मीजान पे आपके आमाल तोले जाए, 99 नेकी आपके पास है मगर एक नेकी एक कमी ऐसी है, खता ऐसी है कि जिसको अल्लाह नापसंद फरमाए
तो उसी खता के सबब अल्लाह तुम्हें सजा दे सकता है। लेकिन उस वक्त ये बच्चे जो हाफिज कुरान हैं, दुनिया में तो आपके एहसान का बदला नहीं चुका पाए, कल मैदान मैशर ये खड़े होंगे और जब अल्लाह सजा दे रहा होगा तो ये सिफारिश करेंगे कि अल्लाह इन्हें बख्श दे, अल्लाह इन्हें माफ कर दे, अल्लाह इन्हें माफ कर दे, क्योंकि मैं इनायतपुर में मदरसा करीमिया रसविया में पढ़ता था, मेरे लिए बिस्तर नहीं था, इन्होंने बिस्तर का इंतजाम किया था, मेरे लिए पानी की सहूलत नहीं, इन्होंने पानी की सहूलत का इंतजाम किया, मेरे लिए खाने की सहूलत नहीं, इन्होंने खाने की सहूलत का इंतजाम किया, किताब नहीं थी, इन्होंने किताब का इंतजाम किया था, इनके एहसान दुनिया में मिलते थे। ए अल्लाह, ए परवरदिगारा, ए रब्बे कदीम, तो इनकी खता को माफ कर दे, बख्श दे। तो मैंने बताया कि अल्लाह की रहमत बहुत आम होती है, तो फिर जैसे ही ये हाफिज कुरान सिफारिश करता है, इनायतपुर के किसी फर्द के लिए सिफारिश करेगा, तो अल्लाह तबारक व ताला इसकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा और अपने फैसले को बदल देगा। जिसे जहन्नम में भेजना होगा उसे जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। बड़े खुशनसीब आप लोग हो कि आप यहां इदारा चला रहे हो, अल्लाह तबारक व ताला आप सबको अज्र अदा फरमाए और इस इदारे की बरकत को आप सबके घरों पर आम फरमाए। भाई बताइए, वक्त हो चुका है, मैं देख रहा हूं कि आप लोग घबराए हुए भी हो, क्या सुनेंगे? कितने लोग नहीं सुनेंगे, हाथ उठा के बताओ। यह हाल है, तुम जोश में होश रखता करो ना। बहरहाल में आपसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आयत करीमा मैंने जो इसे अपने खिताब का उन्वान बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ महबूब, आप इरशाद फरमा दीजिए, अल्लाह को चाहना चाहते हो? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तुम अल्लाह को चाहना चाहते हो? फत्तबिउनी, मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे पीछे चलो, मुझे फॉलो करो। तो जब मुझे तुम फॉलो करोगे, मेरे पीछे पीछे चलोगे, तो अब तुम चाहने वाले नहीं होगे, बल्कि अल्लाह तुम्हें चाहने लगेगा। युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हें चाह लेगा, और जिसे अल्लाह चाह लेता है तो अल्लाह दावत देता है, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अब जब अल्लाह ने तुम्हें चाह लिया तो अल्लाह दावत क्या दे रहा है? वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अपने गुनाहों की मग़फ़रत तलब करो। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ही है जो गफूरुर रहीम है। तो बुझे ना, मालूम क्या हुआ कि जीवन भर कोई इबादत करे लेकिन उसकी इबादत कबूल नहीं है। इबादत उसी की कबूल है कि जिसके दिल में नबी रहमत की भलवासा है। अगर रसूलुल्लाह की भलवासा नहीं है, जीवन भर दुआ करता रहे, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, होती माफ होबे ना। ठीक है नबी, बंगला में उसकी खता माफ नहीं होगी। कब माफ होगी? कि जब नबी से भलवासा होगी, नबी से मोहब्बत होगी। अब गुनाह की माफी मांगोगे, अल्लाह पहाड़ जैसे भी गुनाह माफ फरमा देगा। वल्लाह गफूरुर रहीम, और अल्लाह है जो गफूरुर रहीम है। अजीजानी गिरामी, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता, बस बताना यह है कि दुआ के लिए, दुआ की कबूलियत के लिए साहिबे दुआ का होना बहुत जरूरी है। मौलाना शाहजहां से प्रेरित होकर मैं अपनी गुफ्तगु को आगे बढ़ा रहा हूं, जहां उन्होंने खत्म किया वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। उन्होंने हदीस शरीफ पेश की थी कि ला यतबदलुल क़द्र इल्ला बिद्दुआ, तकदीर नहीं बदलती है मगर दुआ से बदल जाती है। तो दुआ ऐसी है कि अगर मुकद्दर को बदला नहीं जा सकता है, कज़ाए मुग़रम हकीकी को टाला नहीं जा सकता है, जिसका मुकद्दर है इस समय मरेगा उसी समय मरेगा, इस समय पैदा होगा उसी समय पैदा होगा, कदम का मुश्किल नहीं होगा। तो ऐ अज़ीज़ो,
लेकिन दुआ की तासीर यह है कि दुआ अगर कर दी जाए मगर सबकी दुआ नहीं, दुआ के लिए साहिबे दुआ का होना जरूरी है। दुआ कौन करे? जो साहिबे दुआ। अब जब साहिबे दुआ दुआ करेगा तो अल्लाह उस दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा, ठीक है ना। देखो जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो तो फरिश्तों ने क्या कहा था? अता जरूर अल्लाह तू ऐसा क्यों कर करेगा? फी अमायुस्फ को देवा, वो तो आपस में झगड़े करेंगे, जंगो जिदान करेंगे, खून खराबा करेंगे। हम तो तेरी तस्वीर बयान करते, तेरी पाकी बयान करते, हम ही काफी हैं। तो अल्लाह ताला ने टोका और रोका का अपने इल्म पर इतराओ नहीं, इल्म जो तुम्हें दिया है मैंने उस पर इतराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारा इल्म मुहीत है और मेरा इल्म मुहात है। तुम्हारे इल्म पर मेरे इल्म ने घेरा लगा रखा है। इन्नी आलम वाला तालम, जो मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम बशर देख रहे हो और मैं बशर में खैर बशर देख रहा। अजीज आने ग्रामी फरिश्ते तो सज्जे में चले गए। अल्लाह फरमाता है वही कुल्ला लिल्मलाइकति इस्जुदू लिआदमा फसजदू इल्ला इब्लीस, कि जब अल्लाह इरशाद फरमाया, जब मैंने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, सबने सजदा कर लिया इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने नहीं किया। इब्लीस अगर चुप रहता तो भी बच जाता, इब्लीस अगर खामोश बैठा रहता तो भी बच जाता, लेकिन देखो इब्लीस के पास भी इल्म था मगर इल्म ने उसे अकड़खूस के अंदर आ गई थी कि मैं ज्यादा बड़ा आलिम हूं, फरिश्तों का भी अल्लामा हूं, मैं इसे भी पढ़ाने वाला हूं, फरिश्ते को पढ़ाने वाला हूं। तो अपने इल्म पे उतरा रहा था, उसने सजदा नहीं किया। अगर चुप रहता तो भी बच जाता, लेकिन उसने सजदा नहीं किया, अल्लाह ने उसे सजा नहीं दी। सजदा नहीं किया तो सजा नहीं दी, लेकिन सजदा ना करने का सबब बताया कि केनो अमी सजदा करलम ना, मतलब तो होगा ना, केनो अमी सजदा करलम ना। अल्लाह से अर्ज कर रहा है कि अल्लाह मैंने सजदा इसलिए नहीं किया कि खलक तनी में ना, अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है, अभी आगुन थे कि ये जो है ये माटी थे कि अभी क्यों तुम सजदा कर लो, हाँ देखो तुम्हारे लिए हमको बंगला बननी पड़ती है क्योंकि हमको तुमसे भलवासा है ना। तो जब भलवासा है तो तुम्हारी भाषा हमारे पास आ गई है। अल्लाह करे कि तुम नबी से भलवासा कर लो ताकि अरबी जुबान को समझना आ जाए, क्योंकि कोई भाषा नहीं बोल पाओगे कब्र में, सिर्फ नबी की ही भाषा वहां बोली जाएगी। तो जो नबी से भलवासा करने वाले होंगे दुनिया में, अगर अरबी नहीं बोल पाएंगे तो भी कब्र में जब उनसे सवाल होगा फरिश्तों का तो अरबी में ही जवाब देंगे। भलवासा का मामला है ना। तो सुनो, उसने कहा अमी केनो सज्जा कोलम, जिसने करोड़ों साल तक सज्जे किए, कोई जगह जमीन की छोड़ी नहीं जहां उसने सज्जा नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वो सज्जा नहीं करता था, वो साजिद था, सज्जा करने वाला ही था अल्लाह की बारगाह में। लेकिन क्या कहा, ये तो गैरुल्लाह है, अभी सज्जा को बोला। जानते हो अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है, अबा वस्तक बरा बकाने में लड़का फरी, उसने इनकार किया इसलिए क्योंकि यही उसकी तकदीर थी। देखो मुकद्दर की तरफ लौट के आया कि नहीं आया, तकदीर क्या थी, तकदीर काफिर थी, था साजिद, था आबिद, था जाहिद, था मुत्तकी, था परहेजगार, ये सारी उपाधियां उसके पास थी, लेकिन उसका मुकद्दर क्या था,
मखलूक की तकलीफ से पहले अल्लाह ने तकदीर को बनाया है तो मुकद्दर में उसके ये था कि वो कुफ्र करेगा, काफिरीन में शामिल होगा। तो अल्लाह फरमाता अबा वस्तकबरा वकाना मिन काफिरीन, उसने इनकार क्यों किया? क्योंकि यही उसका मुकद्दर था। तो वो लौट कर अपनी तकदीर की तरफ आ गया। कहां तो वो साजिद था, कहां वो आबिद था, कहां वो जाहिद था, कहां वो मुत्तकी था, कहां वो परहेजगार था, कहां वो जिनों का सरदार था, कहां वो मलकुत, वो मौलिम मलकुत था। ये सारी खूबियां उसके अंदर थी, लेकिन एक आना ने उसे उसके मुकद्दर की तरफ लौटा दिया। अब तकदीर का फल उसे मिल गया, अपनी तकदीर की तरफ आ गया। अब जो तकदीर की तरफ आ गया तो उसने अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाई, अल्लाह ने जीवन भर अमी सजदा कोल्लम, इबादत कोल्लम, तखवा कोल्लम, परहेजगारी कोल्लम, एकता अमी भूल कोल्लम, अल्लाह हमें एकता भूल कोल्लम, अल्लाह हमार खुदी माफ को मेरे। मानुष दुनिया में जाएगा, कुफ्र करेगा, शिर्क करेगा, लेकिन वो तेरी तरफ लौटेगा, उसका भी तो मुकद्दर है ना। कुफ्र किया उसने तकदीर की बुनियाद पे, लेकिन वो जब कुफ्र करके शिर्क करके तेरी तरफ लौटेगा और तुझसे माफी मांगेगा तो तू उसकी खोती को माफ कर देगा, उसके गुनाह को माफ कर देगा। इल्ला मैं भी तेरी बारगाह में माफी मांगता हूं, ये लानत करता हूं जो तूने मेरी गर्दन में डाल दिया, निकाल दे। बोलो अल्लाह ही गफ्फार गफूर है कि नहीं? बोलो भाई एनायतपुर वालों, बोलो अल्लाह ही गफूर गफ्फार है, अल्लाह के सिवा कोई बख्शने वाला नहीं है। ये भी सुन लो, अल्लाह के सिवा कोई बख्शने वाला नहीं है, अल्लाह ही बख्शने वाला है, अल्लाह ही गुनाह को माफ करने वाला है, ठीक है ना। लेकिन ये इबलीस जब माफी मांगने गया और कहा अल्लाह हमें एकटा भूल करो, हमारे खुद ही माफ करेगा, तो अल्लाह ताला तो गफ्फार है, गफूर है, उसको तो माफ कर देना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ताला ने उस इबलीस से क्या फरमाया, कहा सुनो यदि तुम्हें चाहते छे कि